आज का वीडियो है सोर थ्रोट, गले की खराश, ख फ्रॉम द एपिग्लॉटिस एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, टू डॉक्टर संचालीज व्लॉग। और मेरे व्लॉग आते हैं मंडे, वेनसडे, फ्राइडे और संडे को भी, और अल्टरनेटिव डे मेरे शॉर्ट्स तो आते ही है। तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है सोर थ्रोट, थ्रोट इन्फेक्शन। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना की बीमारी काफ़ी हद तक फैल चुकी थी और सेकंड वेव तो काफ़ी डेंजरस थी, और जैसे कि थर्ड वेरिएंट भी कोरोना का है जिसे हम बोल रहे हैं ओमाइक्रॉन, तो उसका भी एक सिम्टम है कि सोर थ्रोट होना, थ्रोट इन्फेक्शन होना, गले में खराश होना, मराठी में जिसे गळ्यात खवखवणं, ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों भी रह सकते हैं। तो विंटर सीजन भी चालू हो चुका है, तो ऐसे में एक्चुअली थोड़ा वेदर चेंज होना, अभी तो काफ़ी जगह बारिश भी हो रही है, तो ऐसे में काफ़ी हद तक हमको गले में खराश होना या थ्रोट इन्फेक्शन हो जाना, अगर किसी को टॉन्सिल्स रहते हैं तो उनके वो भी तकलीफ़ देते हैं। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, और हमारी बॉडी हर बीमारी के पहले एक हमको एक संकेत देती है कि जैसे अभी अगर आपको सर्दी या आपको टॉन्सिल्स बढ़ रहे हैं, तो उसके पहले हमको वो कुछ कुछ संवेदनाएं देती है जिससे हमको पता चलता है कि अभी ये शुरुआत है। तो अगर आप अगर शुरुआत में ही कुछ अगर करें तो ज़्यादा हद तक वो बीमारी बढ़ेगी ही नहीं। सबसे पहले हमें, जैसे हम उठते ही बराबर हमें गार्गलिंग करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप होगा गार्गलिंग। गार्गलिंग करने के लिए आपको एक ग्लास पानी लेना है, उसमें आपको कुछ तुलसी के पत्ते वॉश करके डालने हैं। एक दो तीन मिनट तक जब वो उबलने लगे, वो पानी आपको एक ग्लास में निकाल लेना है, मतलब स्ट्रेन कर लेना है, छन्नी से निकाल लेना है, और उसमें आप ऊपर से एक पिंच ऑफ हल्दी डाल सकते हैं, और उस पानी को वार्म रहते ही आपको उससे गार्गल करना है। जितना देर आप गार्गल होल्ड कर सकते हैं उतनी हीलिंग प्रॉपर्टी अच्छी होगी। तुलसी में एक्चुअली नेचुरली ही हीलिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा रहती है, और हल्दी तो एंटीबैक्टीरियल है ही, तो तुलसी और हल्दी का अगर हम गार्गल करें तो आपको तुरंत काफ़ी अच्छा लगने लगेगा, काफ़ी अच्छा महसूस होगा, थ्रोट का पेन काफ़ी हद तक कम होगा। कुछ ये चीज़ें होने के बाद मैं ये काढ़ा भी बताऊंगी, जिसमें आप कुछ इसी में की या कुछ दूसरी भी चीज़ें डाल के आपको काफ़ी हद तक अच्छा लगने लगेगा, लेकिन वो काढ़ा आप अगर थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन थोड़ा हद से ज़्यादा है तो फिर आप वो काढ़ा लीजिए, नहीं तो फिर आप यही चीज़ों से अपना थ्रोट इन्फेक्शन कम कर सकते। तुलसी काफ़ी हद तक जो स्वेलिंग रहती है जिसकी वजह से हमारा गला दुखता है, थ्रोट इन्फेक्शन जिसकी वजह से होता है, वहाँ के जो सेल्स है वो बढ़ जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, तो तुलसी में एक नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो स्वेल लिक्विफाई करती है, इसलिए सुबह उठते ही अगर आप गार्गलिंग करें तो वो स्वेल कम होगा और आपको काफ़ी देर तक अच्छा लगने लगेगा। और अगर आप ये गार्गलिंग दिन में एक दो बार भी कर सके तो हीलिंग प्रॉपर्टी काफ़ी हद तक अच्छी होगी। दूसरी चीज़ है गिलोय। गिलोय एक आयुर्वेदिक वनस्पति है, उसके स्टिक्स आते हैं, अगर आप कौन से भी शॉप में, आयुर्वेदिक शॉप में गए तो आपको इजीली मिल जाएंगे। वो गिलोय की जो स्टिक्स है वो एक एक ग्लास पानी आपको लेकर उसमें बॉईल करना है, सेम एज इट इज़ जैसे हम तुलसी के पत्ते करते थे वैसे ही आपको बॉईल करना है, और अपने स्टिक को एक ग्लास पानी में आपने वार्म किया है वही पानी आपको सुबह ही पीना है, उससे हील जल्दी होगा आपको क्विक। थर्ड है लेमन ग्रास, पुदीना एंड जिंजर। लेमन ग्रास आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, आजकल तो घर पे भी लगा लेते हैं लेमन ग्रास, वो लेमन ग्रास पुदीना के एक 10-12 पत्ते और जिंजर, 1 इंच भी जिंजर चलेगा। 1.5 ग्लास पानी आपको वार्म करना है, उसमें सारी चीज़ें डाल देनी है, और उसके बाद जब 1 ग्लास पानी उसमें लेफ्ट रहेगा
उसमें वन ग्लास पानी जब रह जाएगा तब आप स्ट्रेन करके वो पानी कंज्यूम करना। जिंजर है वो एक्चुअली जो हमारा प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन रहते हैं जिससे हमको गले में पेन या इचिंग होती है वो ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से इचिंग या पेन कम हो जाता है। तो इससे भी आपको काफ़ी हद तक क्विक रिलीफ होगा अगर आप ये सुबह ही कंज्यूम करेंगे। तो अगर ये आप चीज़ों तीनों में से कुछ ही कंज्यूम कर सकते हैं तो आप एक एक करके करिए, लेकिन स्टार्ट मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप गार्गल। और मैं लास्ट में एक काढ़ा भी आपको बताऊंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है या इतना टाइम नहीं है तो आप वो काढ़ा भी बना के पी सकते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। या फिर अगर किसी के पास टाइम की बहुत ही कमी है तो आप वो काढ़ा भी करके पी सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ये सारी चीज़ें करें। देन फोर है गार्लिक। गार्लिक हमें रॉ ही कंज्यूम करनी है। आई नो ये थोड़ा अनकंफर्ट लगता है मुंह में, लेकिन गार्लिक रॉ बहुत ही अच्छा होता है सोर थ्रोट या थ्रोट इन्फेक्शन में। अगर आप गार्लिक के 3 से 4 जो उसकी कलियां होती है वो अगर आप कंज्यूम कर ले, अगर आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा तो आप उस पर हनी भी ले सकते। फिफ्थ है सूंठ और हनी। सौंठ आपको कहीं पे भी मार्केट में मिल जाएगा। सौंठ मतलब ड्राई जिंजर ही होता है, उसको सुखा के उसका पाउडर करते हैं उसे ही सौंठ कहते हैं। तो सौंठ में भी एंटी इन्फ्लामेटरी क्राइटेरिया होता है, इसलिए वो जब हम हनी के साथ सॉलो करते हैं तब वो हमारे गले में जो मतलब जो स्वेलिंग हो चुकी है ऑलरेडी सेल्स की वो कम करता है, इसलिए हमको इचिंग और पेन काफ़ी हद तक उससे मदद मिलती है। सारी चीज़ें आप थ्रोट इन्फेक्शन जब हो, आपको लगे कि स्टार्टिंग में ही मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, तब आप कर सकते हैं ताकि जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा ना फैले, ताकि आपको अदर मेडिसिन की भी ज़रूरत ना लगे, इसलिए आप पहले ही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी आप अगर आपके यहाँ अवेलेबल नहीं रहा तो आप एटलीस्ट वॉर्म वाटर पी सकते हैं, जिससे वहाँ के जो जर्म्स है वो कम हो जाए, वो जो एरिया है वो क्लीन हो जाए वॉर्म वाटर से ही। देखिए सबसे ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टी होती है सन में, जो कि हम लोग भी बोलते हैं कि अगर समर में कुछ अगर हमको लगी है या कुछ जख्म हुई हो तो वो एज़ कम्पेयर टू विंटर या रेनी सीजन से सबसे ज़्यादा हीलिंग करती है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है एक्चुअली। तो सन सबसे ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टी सन में होती है। तो जब एक जब 7 से 8 में की जो सन रेज है वो अगर डायरेक्टली हमारे गले की तरफ आए तो उससे सबसे ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टी होगी। हमारे आयुर्वेदिक में एक आसन है जिसका मैं पिक भी डाल दूंगी, वो आसन करने से आपको काफ़ी हद तक कम लगेगा थ्रोट इन्फेक्शन, जिसमें आप आगे हाथ रख के पैर पे घुटनों पे रह के जीभ बाहर निकाल के सन की तरफ अपना मुंह करके आप वो ओपन कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर आपको कम से कम चीज़ों में थ्रोट इन्फेक्शन कम करना है। तो ये चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि हॉट वाटर बैग अपने गले पे रख सकते हैं, उसे वार्म कर सकते हैं। ये एटलीस्ट दिन में 1-2 बार भी अगर किया तो वहाँ की जो स्वेलिंग हुई सेल्स है वो कम हो जाएगी, उनकी स्वेलिंग कम हो जाएगी, आप सॉलो कर पाओगे, एटलीस्ट आपको तकलीफ नहीं होगी। तो वार्म एरिया रखने से वहाँ की स्वेलिंग कम होने से, इचिनेस कम होने से आपको तकलीफ काफ़ी हद तक कम होगी। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आप इस जब आपको थ्रोट इन्फेक्शन लग रहा है तब आप ज़्यादातर स्पाइसी ऑयली या बाहर का जो खाना है या बहुत ठंडा खाना या बहुत खट्टा खाना अवॉइड करें। ये अवॉइड करने से आपका जो इन्फेक्शन है वो कम भी हो जाएगा और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ेगा नहीं। सबसे बड़ी बात, आपको गले को ड्राई नहीं रखना है। ऐसे में गला बहुत ड्राई हो जाता है तो आपको थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में पानी पीना चाहिए या फिर आप हनी भी ले सकते हैं। अगर थ्रोट इन्फेक्शन थोड़ा भी ज़्यादा बढ़ जाए तो आप एक काढ़ा भी तैयार कर सकते हैं। वो काढ़ा से आपको क्विक रिलीफ मिलेगा और आपको जल्दी से जल्दी वो जो इचिनेस है वो कम हो जाएगा।
तो आप काढ़े के लिए पहले तो एक कप पानी ले, उसमें आधा कप आप सौंठ डाले, फिर अगर आपके पास सिनेमन होगा तो वो सिनेमन भी आप 1 इंच तक ले सकते हैं, वो तोड़ के उसमें डाल दे। अगर ड्राई मनुके आपके पास होंगे तो वो भी अच्छे हैं, अगर वो होंगे तो आप वो प्लीज़ डालिएगा, अगर नहीं होंगे तो दैट इज़ ओके। पर 1 कप पानी में 1/2 टीस्पून सौंठ, 5 से 6 ब्लैक पेपर, कुछ 5-6 मिंट लीव्स, 1/2 इंच जिंजर और 1/2 टीस्पून लेमन जूस। इसको आपको काफ़ी 1-2 मिनट तक तो भी काफ़ी स्टर करना है और उसके बाद छान के वो आप काढ़ा स्लोली स्लोली पी सकते हैं, क्योंकि उसकी टेस्ट तो काफ़ी हद तक अच्छी नहीं रहेगी, इससे बेटर है कि थोड़ी कड़वाहट तो होगी लेकिन उससे आपको क्विक रिलीफ मिलेगा, आपको काफ़ी हद तक अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप देख तो लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।